स्टूडेंट, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न नियर एंड फार। नियर एंड फार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फार? लेट्स वी अंडरस्टैंड विथ सम एग्जांपल। द फर्स्ट वन इज फार। फार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फार? द मीनिंग ऑफ फार इज लॉन्ग डिस्टेंस टू अस। लॉन्ग डिस्टेंस टू अस यानी कि हमसे अगर कोई चीज़ दूर है तो उसको हम कहेंगे दैट इज फार फ्रॉम अस। दैट थिंग इज फार फ्रॉम अस। एग्जाम्पल नंबर वन, इन दैट एग्जाम्पल वन गर्ल एंड वन डॉग आर हियर। गर्ल इज स्टैंडिंग लेफ्ट साइड एंड डॉग इज रनिंग राइट साइड। ओके, सो जो लड़की है, जो गर्ल है, वो इस तरफ खड़ी है और उससे राइट साइड की तरफ डॉग क्या कर रहा है? रन कर रहा है, यानी कि उन दोनों में डिस्टेंस है। एरो से आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, उन दोनों के बीच डिस्टेंस है। दैट इज डॉग इज फार फ्रॉम द गर्ल। डॉग इज फार फ्रॉम द गर्ल यानी कि डॉग है वो गर्ल से दूर है। ओके, सो दिस वन इज एग्जांपल वन। नाउ वी टेक अदर एग्जांपल। लुक एट हियर, फार इट मींस लॉन्ग डिस्टेंस। फार इट मींस लॉन्ग डिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट इज नियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियर? दैट इज नेक्स्ट टू अस। नेक्स्ट टू अस यानी कि हमारे बाद का। हमारे बाद का अगर कोई हमसे एकदम नज़दीक है उसको हम कहेंगे नियर। ओके, लेट्स वी टेक मोर एग्जांपल। अगेन हियर आई रिपीट एग्जांपल। बॉय इज नियर टू द ट्री एंड अ डॉग इज फार फ्रॉम द ट्री। A boy is near to the tree and dog far from the tree. Example 2. Butterfly near to the flower and bird far from the flower. Example 3. Chutki near to the laddu and bee far from the laddus. Example 4. Yes, baby boy near to the toys and far from the kite. And now example 5. Yes, here one boy near to the soap and far from the coronavirus. Agar hum अच्छे से हैंड वॉश करेंगे सोप से तो कोरोना वायरस से हम क्या रहेंगे? दूर रहेंगे, यानी कि वायरस से हम दूर रहेंगे। ओके, सो यस, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ फार एंड नियर। फार एंड नियर, आप घर पर भी ऐसे फार और नियर के एग्जांपल कर सकते हो आपके आपके फ्रेंड्स के साथ, मम्मी पापा के साथ, कजिन्स के साथ। ओके, खेलते हो तब भी खेलते खेलते ये नियर और फार के एग्जांपल आप लर्न कर सकते हो। सो